नमस्कार, यूनिवर्सल न्यूज में आपका स्वागत है। इसे अफसरों की मनमानी कहें या भ्रष्टाचार की इंतहा, हदगाह विकास खंड के शैपीपुर गांव के चलथरा में आवासों में की गई गड़बड़ी की शिकायत के बाद ग्राम विकास अधिकारी सहित अन्य जिम्मेदारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। प्रधान प्रतिनिधि पर तो कार्रवाई हो गई, लेकिन बड़े पैमाने पर आवासों में गड़बड़ी करने वाले ग्राम विकास अधिकारी को बहाल करने के बाद उसी गाँव में फिर से चुनौती दे दी गई। वहीं मामला अधिकारियों तक पहुंचा तो अब कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अब इस योगी राज में अंधेरे न कहें तो फिर क्या कहें। ग्राम में 98 आवासों में 53 में गड़बड़ी की गई, जिसमें 40 आवास अभी तक बने ही नहीं और 5 आवास ऐसे लोगों को आवंटित कर दिए गए जो इस गांव के रहने वाले ही नहीं थे, और सभी का पैसा भी हजम कर लिया गया, जिसमें FIR ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शहीद हसन और ग्राम विकास अधिकारी धर्म कीर्ति चौधरी सहित 3 लोगों का विरोध खंड विकास अधिकारी द्वारा मुकदमा हथगाम थेन दर्ज कराया गया। इस मामले की आज जिले के बैठे अधिकारी तक पहुंची तो आनन फानन में इस FIR के फाइनल रिपोर्ट लगवाने के साथ आरोपी ग्राम पंचायत अधिकारी धर्म कीर्ति द्वारा एक दूसरी FIR ग्राम प्रधान व उसके ग्राम प्रतिनिधि के विरुद्ध दर्ज करा दी गई। दोनों आरोपी को जेल भी भेज दिया गया। हद तो तब हो गई जब आरोपी ग्राम पंचायत अधिकारी के नीलबंद के बाद भी सरकारी खाते का संचालन उसके द्वारा ही होता रहा। जब मामला तूल पकड़ने लगा तो आला अफसर संचालन रोककर जांच करने की बात कर रहे हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी की कार्यशैली पर सवाली निशान लगा रहे हैं। वही सूत्रों की माने तो धर्म कीर्ति चौधरी की विभाग की अच्छी पकड़ होने की वजह से वह मामले से बच निकला और पूरे मामले की फाइनल रिपोर्ट तक लगवा दी गई। बड़ा सवाल है कि इस देश के प्रधानमंत्री व प्रमुख मंत्री तो पंक्ति में खड़े आखिरी लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जब तक ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती तो अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति सरकारी योजनाओं की आस में यूं ही जिंदगी गुजार देगा। से घर में रह रही हैं? कच्चे घर में। कहाँ रह रही हैं? पानी पड़ी है, अंदर छपड़ा पड़ रहा है। तो आपको कॉलोनी नहीं मिली? नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? जबरदस्ती लाई ले से, खोदे लाई ले से, पासबुक भी नहीं दे रहा। कौन है? चार बार मुसलमान है, शायद है। अच्छा, सेक्रेटरी भी है क्या इसमें मिला हुआ? हाँ, सिगरेट भी मिला हुआ है। आपको कुछ नहीं मिला? नहीं, एक पैसा नहीं मिला। और कह रहा है कि तुम्हारा पैसा अंत चला गया। कैसे अंत चला गया? ये निजामुद्दीन साजदा, गुलशान बानो, परवीन बानो, ये 4 लोगों के नाम आपके गांव में कॉलोनी पास हुई थी 2014-15 में, ये लोग कहाँ हैं? यहाँ के रहने वाले नहीं है। कहाँ के रहने वाले? पैंसा के रहने वाले। तो आपके गांव में कैसे कॉलोनी इनको मिली? प्रधान के रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने भरा, वही भर के निकाले पैसा, सिगरेटरी और ये सब मिलकर निकाले। भाई, क्या इनके नाम की कॉलोनी बनी है आपके गांव में? कोई कॉलोनी नहीं। कोई कॉलोनी नहीं है, मतलब फर्जी है क्या ये? फर्जी। भारी घपला किया, घपला करने के बाद मुकदमे पंजीकृत हुए, पुनः फिर से रिपोर्टिंग कर दी गई। आखिर रिपोर्टिंग का मानदंड क्या है और किन परिस्थितियों में रिपोर्टिंग कर दी गई? ये सही है जो आप कह रहे हैं कि शाहपीरपुर में धर्मकीर्ति नाम के सेक्रेटरी पहले पोस्ट किए गए थे और ये संज्ञान में आया था कि उनके द्वारा कुछ अनियमितता की गई थी, जिसमें उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी। अभी फिलहाल वहाँ पे आशीष सोनकर तैनात किया गया है, उनको आवंटन हुआ है ग्राम पंचायत का। प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि कुछ लापरवाही की वजह से शायद धर्मकीर्ति ने कुछ काम वहाँ पे देखा है, उनको मौखिक निर्देश दिए गए हैं कुछ काम देखने के। इसकी तुरंत जांच करवाई जाएगी और जो भी संबंधित अधिकारी हैं जिनके द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं उन पर कार्रवाई।